हेलो दोस्तों, एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो सफ़र है वह बेहद ही खूबसूरत एक चुड़ियर देवी मंदिर जो कि सोनभद्र में पड़ता है वहां पर जा रहे हैं, जो कि ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है। और दोस्तों, हमारा यह जो सफ़र है बेहद ही लाजवाब है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, हम इस समय स्टेट हाईवे 5A पर है, जो कि हमारा नेशनल हाईवे NH-19 से जुड़ा हुआ है। और NH-19 यानी कि टेंगरा मोड़ से हमारा यह जो सफ़र है शुरू होता है, और टेंगरा मोड़ से होते हुए नारायणपुर, अदलहात, अरोरा, मधुपुर, रॉबर्ट्सगंज और मारकुंडी पहाड़ पर जाकर यह ख़त्म होता है। तो इस समय हम लोग दोस्तों यह जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता देख रहे हैं, मारकुंडी पहाड़ है और बेहद ही खूबसूरत सफ़र है यह मारकुंडी पहाड़ का। और मारकुंडी पहाड़ से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, कमहरिया गांव पड़ता है, जो कि आप सामने डैम देख सकते हैं, बेहद ही खूबसूरत। और इसके अलावा यह डैम जो है महुआ कला को जुड़ता है। इसके अलावा इस समय हम गुरधा गांव में आ चुके हैं, जो कि यहां की खूबसूरती आप देख सकते हैं, खेत खलियान बेहद ही खूबसूरत। और यहां पर भी छोटे छोटे डैम हैं। इसके अलावा सामने दोस्तों आप देख सकते हैं चुड़ियर देवी जी का पहाड़, और पहाड़ से ठीक पहले कलुआ डैम है, लोग कह रहे थे कलुआ डैम है। और जो नज़ारा है काफ़ी अच्छा था, गांव के लोग काफ़ी अच्छे थे। दादा, चुड़ियर देवी मंदिर यही पहाड़ पे है क्या? हाँ, पहाड़। अच्छा, ये बताओ कि ये गांव का नाम क्या है? चिरहली। चिरहली। अच्छा, और मारकुंडी से लगभग हमको लगता है 16-17 किलोमीटर है ना? सब कहीं। अच्छा, चुड़ियर देवी। और ये कौन, ये बांध का नाम कहाँ? चिरौली बांध। चिरौली बांध। अच्छा दादा, एक और चीज़ बताओ, तुम्हें जंगली जानवर नो नहीं उधर जात के समय? नहीं। तो दोस्तों, हम लोग आश्वस्त हो चुके हैं, और हम लोग सामने जो चुड़ियर देवी का पहाड़ है, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अच्छा, हम लोग बनारस से आ ले। हाँ, और दर्शन कर दे आ ले। हेलो दोस्तों, एंडलेस जर्नी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये रहा दोस्तों चुड़ियर देवी के सामने ठीक खूबसूरत सा डैम, और बेहद ही खूबसूरत। और हम नज़दीक नहीं जा रहे हैं, लेकिन दूर से ही दिख रहा है, पानी बहुत ही साफ़ है। और उधर कई लोगों ने पंप लगाया हुआ है, इस डैम से जो पानी है अपना खेती के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। और बेहद ही खूबसूरत दोस्तों, उधर की तरफ दिखाइए, उधर जो है ज़मीन उभरे हुए है इस नदी में, जिसकी वजह से इस डैम की खूबसूरती एकदम से बढ़ जाती है। और जहाँ पर लोगों को जगह मिली वहाँ पर सरसों और रहर की खेती कर रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत। और इस पहाड़ की परछाई इस डैम पर पड़ रही है, जो कि इस डैम की खूबसूरती को और भी बढ़ा दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सोनभद्र के हैं या फिर इधर मिर्ज़ापुर साइड के हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा नज़दीक में खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है। इसके अलावा सामने मंदिर, जो कि एक खड़ी चढ़ाई होने वाली है, और हम लोग वहीं पर जाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं उधर। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग जो चुड़ियर देवी मंदिर का जो पहाड़ है उसके ठीक तलहटी के पास यानी बेस कैंप के पास आ चुके हैं, और बेहद ही खूबसूरत लग रहा है वह पहाड़। और हमें जहाँ तक उम्मीद है, माता जी का जो मंदिर है वो भी काफ़ी भव्य और खूबसूरत होगा। तो हम लोग मंदिर की तरफ अग्रसर है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि हमको जंगलों और झाड़ियों से होकर गुजरना है, बेहद ही लाजवाब होने वाला है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं। दोस्तों, काफी मजा आ रहा है, आप भी जल्दी जल्दी आइए। तो दोस्तों, हम लोग साथ में मूंगफली भी लाए हुए थे, और मूंगफली खाते हुए मस्ती में अपने ही धुन में हम लोग चले जा रहे हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मूंगफली के साथ साथ जो चारों तरफ पहाड़ों की वैली है, जो कि मारकुंडी पहाड़ की पर्वत श्रृंखला है, बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। और इसमें हम लोग चारों तरफ वैली से घिरे हुए हैं, और इस पहाड़ के ठीक पीछे लेखनिया केव आर्ट है, जो कि काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी यात्रा की तरफ अग्रसर हैं मूंगफली खाते हुए। दोस्तों, अगर आप मिर्ज़ापुर या सोनभद्र के हैं, तो आप चुड़ियर देवी मंदिर ज़रूर आइए, आपको बेहद ही खूबसूरत और अच्छा लगेगा। और दोस्तों, हम लोग यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, और इस दौरान हम लोगों ने कई सिनेमेटिक वीडियो भी कैप्चर किए। और यहाँ पर आने के बाद एकदम से दिल खुश हो गया था, और पहाड़ की ऊँची ऊँची चोटियों पर चलने का एक अलग ही मज़ा है, जो हम लोग ट्रैकिंग के लिए बाहर जाते हैं
हमको बाहर जाने के बजाय अगर अपने सोनभद्र में मिल जाता है तो यह एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खुशी वाली बात है। चुड़ियार देवी मंदिर ठीक मेरी नजरों के सामने। दोस्तों, पहाड़ के नीचे मेरी बात दादाजी से हुई थी, जिनसे बात के दौरान हमने पूछा था कि यहाँ पर इस पहाड़ पर ट्रैकिंग के दौरान कोई जंगली जानवर तो नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने एकदम से साफ शब्दों में बोला था कि यहाँ पर किसी भी तरह के कोई भी जंगली जानवर नहीं है। और दोस्तों, हम पहाड़ पर चढ़ने के दौरान कई गाँव वालों को देखे जो कि इस जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे थे, तो यानी कि इससे यह तो प्रूफ हो गया कि यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर मौके पर नहीं है, और मौके पर क्या, यहाँ पर है ही नहीं। इसके अलावा दोस्तों, जब पहाड़ पर जैसे जैसे आप ऊंचाई पर चलते जाएंगे, आपको चारों तरफ का जो परिदृश्य है काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस समय चुड़ियार मंदिर की तरफ हम लोग अग्रसर हैं और लगभग आधा से ज़्यादा आ चुके हैं, और ठीक मेरे पीछे जो पहाड़ है उसकी बनावट देख सकते हैं, आकृति देख सकते हैं, बेहद ही लाजवाब, एकदम से अद्भुत। और इसके अलावा इधर चुड़ियार देवी जी का मंदिर, और इधर साइड में वैली है, मारकुंडी पहाड़ की वैली है, और इसके अलावा कलुआ डैम इधर है, जो यहाँ के गांव के लोकल लोग थे वो कह रहे हैं कलुआ डैम है तो कलुआ डैम है। और इसके अलावा जो सीनरी है ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, और अगर आप भी ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए सोनभद्र ज़िले में स्थित मारकुंडी पहाड़ के पास चुड़ियार देवी जी का जो मंदिर है बेहद ही लाजवाब और अच्छा रहेगा आपके ट्रैकिंग के लिए। दोस्तों, हम तो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप भी अपने घरों से निकलिए और इस तरह के खूबसूरत और एडवेंचरस ट्रैकिंग पर आइए, आपको बेहद ही अच्छा लगेगा। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग मंदिर के ठीक पास में हैं और मेरी नज़रों के सामने देख सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, माता जी के मंदिर के पास, और जो नज़ारा है दोस्तों, शब्दों में बयां करना असंभव, बेहद ही खूबसूरत। दोस्तों, हम लोग नीचे से जब चले थे तब तक कल्पना नहीं किए थे कि इतनी खूबसूरत जगह होगी, लेकिन बेहद ही खूबसूरत। दोस्तों, इसको देख करके हमें गया में गुरपा एक पहाड़ है वहाँ की याद आ गई, और गुरपा भी कुछ खास ऐसा ही है। तो हम लोग चुड़ियार मंदिर के पहाड़ पे रेस्ट कर ही रहे थे कि हम लोगों का सौभाग्य था कि हमारे पास में ARB फिल्म्स के जो कि डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर या फिर कैमरामैन जो भी कह लीजिए, इनसे मुलाकात हो गई, और मतलब कि हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनसे इस तरह से मुलाकात होगी, और मिल के काफ़ी अच्छा लगा इनसे, और इनकी टीम से भी मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। इनकी टीम यहाँ पर पीछे है और पीछे कैमरामैन खुद भी है, और इसके अलावा मेरे बगल में बनारसी अंदाज है, तो देखा जाए तो यहाँ पे तीन तीन यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े तो नहीं, छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, लेकिन अच्छा लगा एक साथ तीनों लोगों को देख करके। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार है। आज हम लोग एक साथ यहाँ पे मिले हैं, राहुल भाई हैं एंडलेस जर्नी से, और बनारसी अंदाज से शिवम जी हैं, और हम लोग की मुलाकात अचानक हुई जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और यहाँ पे जिस जगह पे हम लोग हैं वो सोनभद्र का एक बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही पीसफुल एक जगह है, जो चुड़ियार देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। पीछे आप देख रहे होंगे, यह मारकुंडी के नीचे से आने का यहाँ पे एक रास्ता है जो कि गांव वालों ने यहाँ पे मंदिर बनवाया है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, जो है आपको जरूर पसंद आएगी। आप अगर देखेंगे ध्यान से चारों तरफ तो ये पूरे पहाड़ ही दिखाई देंगे, और इतना अच्छा नज़ारा आप देखेंगे कि कुछ समय के लिए आप यहीं पे यही के होकर के रह जाएंगे। तो बाय करते हैं आप सबको, और उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों, हमको मंदिर पर आए हुए लगभग एक घंटे हो चुके हैं, और हमारी मुलाकात ARB फिल्म्स से हुई थी, जो कि अभी ठीक पीछे बैठे हुए हैं, और काफ़ी रेस्ट करने के बाद अब हम जा रहे हैं चुड़ियार देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, मौके पर तो ताला लगा हुआ है, लेकिन हम मोबाइल से आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। अंदर कुछ इस प्रकार का है, दिए हैं, और उसके बगल में एक छोटा सा कुंड टाइप का बना हुआ है, और इसके अलावा सामने
चुड़ीहर देवी जी का मंदिर है, मतलब मूर्ति है, और यह रही सामने मूर्ति, बेहद ही भव्य। और मंदिर अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में है, इसका जो ऊपर का छत है अभी भी खुला हुआ है, बनना बाकी है। दोस्तों देखिए, हमारी बाइक उतनी दूर खड़ी है, आपको जूम करके दिखाते हैं। इस समय हम लोग पहाड़ की चोटी पे हैं और हमारी बाइक देखिए इस समय यहाँ पर खड़ी है। ये देखिए हमारी बाइक खड़ी है यहाँ पे। दोस्तों ये रहा मंदिर के पीछे का नज़ारा। अब मंदिर के पीछे भी जो दृश्य है बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ पर आने के बाद हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप भी ज़रूर आइए यहाँ पर, और आने के बाद आपको कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि हम लोग लगभग यहाँ पर 116 किलोमीटर दूर बनारस से आए हैं, और आने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हमारा ये ट्रिप बेकार गया। और आने के बाद वाकई में लगा कि नहीं, बहुत ही अच्छा था हमारा यह ट्रिप। और लगभग हमको 3.5 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने, 3.5 या 4 घंटे लग गए मंदिर धाम तक पहुँचने में, और हम लोग 1.5 घंटे यहाँ पर रेस्ट भी किए थे। फाइनली दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल एंडलेस जर्नी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।